अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान खसवा 7 टीवी न्यूज़ इंडिया चैनल में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबर। खुश आमदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का खसवा 7 न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। याकूतपुरा बड़ा बाजार याकूत महल थिएटर के पास मौजूद डॉक्टर आफरीन हॉस्पिटल और मशहूर व मारूफ जर्मनटेन हॉस्पिटल के अलावा MS ऑप्टिकल की बाहमी इश्तराक से आज बतारीख 6 मई और 7 मई को बड़े पैमाने पर दो रोज़ा मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप का अहतमाम किया जा रहा है। पहले ही दिन इस मेडिकल हेल्थ कैंप से तकरीबन आसपास के 350 अफराद ने इस्तेफादा हासिल किया। जर्मनटेन हॉस्पिटल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब डॉक्टर मीर जवाहरजार खान की रास्ते निगरानी में हॉस्पिटल की तमाम टीम और डॉक्टर ऑफरीन क्लिनिक के तमाम डॉक्टर्स की टीम ने मिलकर इस मेडिकल हेल्थ कैंप को बेहतरीन तरीके से कामयाब बनाया। यहाँ पर जर्मनटेन हॉस्पिटल की टीम में जोनल मैनेजर रोशन अली, रीजनल मैनेजर मोहम्मद माजिद अली, मोहम्मद जीशान सीनियर मैनेजर खुर्रम, असिस्टेंट मैनेजर मोहम्मद रिजवान, MS ऑप्टिकल्स के प्रोपराइटर डॉक्टर राजा शेखर ऑर्थो, डॉक्टर कृष्णा कार्तिक पल्मोनोलॉजी, डॉक्टर वारिसा खान, डॉक्टर शमा जावेद, डॉक्टर आफरीन हॉस्पिटल के इंचार्ज नासिर हुसैन, डॉक्टर सैयदा आफरीन फातिमा गायनाकोलॉजिस्ट शाहाना मैडम, इसके अलावा कई सारे डॉक्टर्स की टीम भी यहां पर मौजूद थी। यहां पर तमाम माहिर डॉक्टर्स जैसे डर्माटोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स और दिगर कई सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहां पर मौजूद थे। यहां आने वाले मरीजों के BP शुगर टेस्ट किए गए और कई सारे टेस्टों पर 50% का भारी डिस्काउंट भी रखा गया था। इस कैंप के ज़रिए मज़ीद इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचने वाले मरीज़ों को भी भारी डिस्काउंट फराहम करने का तयखुन दिया गया। MS ऑप्टिकल की जानिब से भी कई सारे मरीज़ों के आँखों के टेस्ट किए गए। इस मौके पर डॉक्टर आफरीन हॉस्पिटल के डॉक्टर सैयद आफरीन ने खिताब करते हुए बताया कि यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी के अलावा बच्चों के सरकमटेंसेस भी किए जाते हैं और आवाम के लिए भरपूर तरीके से लैब टेस्ट और दिगर यहाँ पर हमा अकसाम की फैसिलिटी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी मौजूद है। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है खसवा 7 न्यूज़ चैनल की यह खसूसी रिपोर्ट। डॉक्टर आफरीन हॉस्पिटल की जानिब से मेडिकल कैंप रखा गया है और जर्मनटेन के कोऑपरेशन से और मीर जवादली खान साहब का जो है ताउन से और उनके हॉस्पिटल के ताउन से जो है ये जॉइंट मेडिकल कैंप रखा गया है, जिससे गरीब आवाम को काफ़ी मुस्तफीद हुए और जो है बहुत सारे मेडिकल परेशानियों से जो है लोगों को जो है राहत मिली, जिसकी वजह से जर्मनटेन हॉस्पिटल और डॉक्टर आफरीन हॉस्पिटल की जानिब से ये मेडिकल कैंप मुनक़िद किया गया है। हम जवासर का जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और उनके स्टाफ का और तमाम जो डॉक्टर्स हैं उन सब का जो है शुक्रगुजार हैं, जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आकर जो है मेडिकल कैंप में लोगों की जो है सोशल खिदमत के लिए हाजिर हुए हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि आज के महंगाई के दौर में जो है डॉक्टर्स अपना कीमती वक्त निकाल के जो है आवाम की खिदमत के लिए हाजिर हो जा रहे हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और जवाब साहब का भी जो है बहुत बहुत शुक्रिया, जो जवाब जर्मनटेन के स्टाफ का और तमाम हॉस्पिटल के जो अराकीन हैं उनका और डॉक्टर आफरीन हॉस्पिटल के स्टाफ का, इन सब का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि जो इस कैंप में ताउन और भरपूर मदद करे हैं। मेरा नाम मोहम्मद माजिद अली है, मैं जर्मनटेन हॉस्पिटल का मार्केटिंग रीजनल मैनेजर हूँ। हमारे रोशन सर जो है मार्केटिंग जोनल मैनेजर है, हमारे जीशान जर्मनटेन हॉस्पिटल के ज़रिए से याकूतपुरे में आफरीन क्लिनिक के ऊपर यहाँ पर जो है मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। हमारे पास जो है पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब आए और यहाँ पर औरतों के सर्जन, डर्माटोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, हम इन सब के शुक्रगुजार है। वो लोग यहाँ पर आके जवाब सर का शुक्रगुजार है। हम लोग जो है यहाँ पर गरीब आवाम को जो है जहन में रखते हुए यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। तकरीबन यहाँ पर जो है 300 से 350 पेशेंट्स को देखे। तकरीबन इसके अंदर जो है किसी को शुगर है, किसी को BP है,
वो लोग को मालूमात नहीं है। अब यहाँ फ्री मेडिकल कैंप में आके जब उनको चेकअप किया गया तो उसमें पता चला कि जो है वो लोगों को ये डिसीज़ है। बल्कि फिर हम लोग यहाँ पर उनको डॉक्टर से कंसल्ट करा के उनको जो है ट्रीटमेंट किए और कुछ पेशेंट्स को जो है हम लोग हॉस्पिटल को रेफ़र भी किए कि वहाँ पर भी हम जो है सही तरीके से इन्वेस्टिगेशंस करके उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए बोल के। और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर डॉक्टर आफरीन मैडम के पॉली क्लिनिक के ऊपर जो है यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया। हमारे नसीर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, हमारे जितने भी मार्केटिंग टीम के जो रोशन सर है, खुर्रम है, जीशान है, हम ये लोग पूरे कैंप में जो है कोऑर्डिनेट करे, काफ़ी मेहनत करे यहाँ पर और पूरे पॉम्पलेट्स वगैरह तमाम पूरा डिस्ट्रीब्यूट किए और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेस हुआ है। यहाँ मेडिकल कैंप 300 से 350 पेशेंट देखे यहाँ से। पेशेंट आपके हॉस्पिटल वाइबर में कुछ वहाँ पर डिस्काउंट? हाँ, वहाँ पर भी डिस्काउंट है कैंप के ज़रिए से, 50% डिस्काउंट है कैंप के ज़रिए से। कोई भी ऐसा डिसीज़ है, कुछ भी सर्जरी है, कुछ भी ऐसा है, उसके हिसाब से वहाँ पर हम लोग जो है डिस्काउंट मुकर्रर करें पेशेंट आए तो। और MS ऑप्टिकल के ज़रिए से हम लोग जो है यहाँ पर ऑप्टोलॉजिस्ट 8 घंटे चेकअप भी हुआ, वहाँ पर भी तकरीबन पेशेंट को उन्होंने देखे और कई लोगों को जो है वहाँ पर यहाँ INH भी जो है वो लोगों को प्रोवाइड किए। नेक्स्ट कैंप जो है मणिकुंडा में है, 13 के दिन है, इंशाल्लाह उसका भी हम लोग इतला देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद आफरीन फातिमा है। आज हमारे पास क्या मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है डॉक्टर जेमेंटन हॉस्पिटल और डॉक्टर आफरीन हॉस्पिटल की जानिब से। यहाँ पर हमारे यहाँ मेडिसिन पे और डायग्नोस्टिक्स पे और फ्री कंसल्टेशंस है, मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे अलग अलग स्पेशलिटीज़ जैसे कि गायनेकोलॉजी, डर्माटोलॉजी, ऑप्थल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स एंड कार्डियोलॉजी, ENT एंड पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिशन और बहुत सारे स्पेशलिटीज़ अवेलेबल है एक छत के नीचे। बहुत सारा फ़ायदा बहुत सारे लोग उठा सकते, इसलिए हम आज और कल 2 दिन इसका कैंप रखे। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं और हमको आवाम की मदद करना है तो इंशाल्लाह हम मदद करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कैंप आज शाम के 5 बजे तक रहेगा, कल शाम तक 5 बजे भी रहेगा, सुबह के 8 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा। खाली कैंप अगर आपके पास आना बोले तो आपके हॉस्पिटल की टाइमिंग वगैरह? शाम के 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक इवनिंग में मैं यहाँ पर अवेलेबल रहूँगी डॉक्टर आफरीन हॉस्पिटल में। मज़ीद तफ़सीलात के लिए हमारे YouTube चैनल खसवा 7 सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।